बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान सीरीज़ डेंजर प्रिंस मुकम्मल नावल अगला हिस्सा। इमरान उस वक्त दानिश मंजिल में मौजूद था। ब्लैक ज़ीरो अपनी मखसूस नशिस्त पर बैठा हुआ था, जबकि इमरान अपनी कुर्सी पर बैठा गहरे ख्यालों में खोया हुआ था। इमरान को ख्यालों में गुम देखकर ब्लैक ज़ीरो भी खामोश था। अचानक इमरान को कोई ख्याल आया तो उसने फ़ौरन अपना वॉइस ट्रांसमीटर ऑन किया और दूसरी तरफ कॉल करने लगा। फिर जैसे ही रब्ता हुआ, उसने वॉइस ट्रांसमीटर का बटन प्रेस किया और अपना मुँह वॉइस ट्रांसमीटर के करीब ले आया। इमरान बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान ने कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई दी। क्या रिपोर्ट है? ओवर। इमरान ने इस बार संजीदा होकर पूछा। तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, डेंजर प्रिंस को इंशाल्लाह नाकामी होगी। सर दावर बखैरियत हिफाजत के साथ हार्ट रूम में पहुंच चुके हैं, अब आपका इंतजार है। सर दावर सिर्फ आपके लिए अंदर से दरवाजा खोलेंगे, टाइगर ने जवाब दिया। ओके, मैं पहुंच रहा हूं। तुम इस दौरान मुसलसल हालात पर मंजर रखो, और हाँ, तुम मेरे हार्ट रूम में पहुंच जाने के बाद भी वहां मौजूद रहोगे। इमरान ने उसे मजीद हिदायत देते हुए कहा। यस बॉस, टाइगर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और इमरान ने ओवर एंड ऑल कहकर रब्ता खत्म कर दिया। उसके बाद इमरान ने कॉफी खत्म की जो ब्लैक ज़ीरो ने उसे बनाकर दी थी, और फिर वो उठकर खड़ा हो गया। तो क्या आप जा रहे हैं? ब्लैक ज़ीरो ने उसे उठते देखकर कहा। हाँ, 10 बजने वाले हैं, अब मैं खुद जाकर देखना चाहता हूँ कि इस कदर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बाद डेंजर प्रिंस किस तरह सरदावर तक पहुँचता है और उन्हें कैसे हलाक करता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर आपका ये खेल उल्टा पड़ गया तो? ब्लैक ज़ीरो ने होंठ चबाते हुए कहा। क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर कहा। मतलब ये कि इस कदर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बावजूद अगर डेंजर प्रिंस इस जगह पहुँच गया जहाँ सरदावर को रखा गया है और उसने अपना कहा सच कर दिखाया तो क्या होगा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि सर दावर इस दुनिया से सुधार जाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान ने चौंक कर कहा। मतलब ये कि इस कदर फुल प्रूफ सिक्योरिटी के बावजूद अगर डेंजर प्रिंस इस जगह पहुंच गया जहां सर दावर को रखा गया है और उसने अपना कहा सच कर दिखाया तो क्या होगा? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। क्या होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि सर दावर इस दुनिया से सुधार जाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? ब्लैक ज़ीरो ने होंठ भींचते हुए कहा। नहीं, इमरान ने कहा। तो फिर आपने सरदावर को इस कदर रिस्क पर क्यों छोड़ रखा है? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। अगर मैं ये रिस्क ना लूंगा तो डेंजर प्रिंस किसी भी तौर पर सामने नहीं आएगा। ये समझो कि मैंने शेर के शिकार के लिए बकरी को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है, इमरान ने उसी तरह से मुस्कुराते हुए कहा। क्या सरदावर के लिए बकरी के लफ्ज़ का इस्तेमाल गैर मुनासिब नहीं? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ऐसी सूरत में इससे बेहतर कोई अल्फाज नहीं हो सकते, इमरान ने जवाब दिया। तो ब्लैक ज़ीरो एक तवील सांस लेकर रह गया। न जाने क्यों मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ होने वाला है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ होने वाला है, इमरान ने कहा। बहुत कुछ क्या मतलब? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर कहा। ये सब तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना, इमरान ने कहा। लेकिन आप करना क्या चाहते हैं, मुझे भी तो कुछ बताएं, ब्लैक ज़ीरो ने सर झटकते हुए कहा। कहा ना, मैं जो करूंगा तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना, इमरान ने उसी अंदाज में कहा। और फिर इससे पहले कि ब्लैक ज़ीरो कुछ समझता या कहता, इमरान ने उसे टाटा किया और तेज तेज कदम उठाता हुआ ऑपरेशन रूम से निकलता चला गया। थोड़ी ही देर में वो अपनी टू सीटर स्पोर्ट्स कार में निहायत तेजी से दावर हाउस की तरफ उड़ा जा रहा था। अभी वो थोड़ी ही दूर गया होगा कि अचानक उसकी कलाई पर जलबे लगनी शुरू हो गईं, तो इमरान चौंक पड़ा। उसने फौरन कार सड़क की साइड पर रोकी और फिर उसने वॉइस ट्रांसमीटर ऑन कर लिया। इमरान बोल रहा हूँ, ओवर, इमरान ने कहा। तनवीर बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी जानिब से तनवीर की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ है प्यारे भाई? ओवर, इमरान ने कहा। तुम्हारी कार की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ है प्यारे भाई? ओवर, इमरान ने कहा। तुम्हारी कार का ताकुब हो रहा है। ओवर, तनवीर ने कहा। बस इतनी सी बात है, मैंने सोचा था कि शायद चिड़ियाघर के किसी हाथी के आज चूहा पैदा हुआ है जिसकी इत्तला देने के लिए तुमने मुझे कॉल किया है। ओवर, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। कभी कोई अच्छी बात भी कर लिया करो अहमक इंसान। ओवर, तनवीर ने मुंह बनाते हुए पूछा। अच्छी बात तो फिर यही है कि तुम गाय का बच्चा लेकर पाल लो। ओवर, इमरान ने कहा। गाय? क्या मतलब? इस मामले में अचानक गाय कहां से कूद पड़ी है? ओवर, तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि एक बहुत बड़े फिलासफर ने ख्वाब में आकर मेरे कान में कहा था कि कोई काम ना हो तो गाय पाल लो, अब तो समझ गए हो ना? ओवर, इमरान ने उसे समझाते हुए कहा। मुझे तुम्हारी इन बातों की बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, सीधा सा बताओ कि अब मुझे करना क्या है? ओवर, तनवीर ने कहा। वाह सुबहान अल्लाह, क्या दिमाग पाया है,
मैं तो पहले ही समझता था कि वो चूहा बगैर दिमाग के आदमी नहीं रखता। अब तुम यहाँ से सीधे दावर हाउस जाओ और वहाँ जाकर जायजा लेते रहो और मुनासिब वक्त पर मुनासिब इकदाम भी करो। ये याद रहे कि तुम्हारी कार नॉन स्टॉप होनी चाहिए। ओवर। इमरान ने कहा और रब्ता मुनकता कर दिया। इमरान ने अकबी शीशे में नजर डाली तो उसे स्याह रंग की कार वापस मुड़ती हुई दिखाई दी। ये तनवीर की कार थी जो इमरान की बात सुनकर दावर हाउस की तरफ रवाना हो गया था। फिर इमरान ये देखकर चौंक पड़ा कि वो सफेद रंग की टोयोटा भी वापस मुड़ रही थी जो इमरान की कार के ताकुब में थी। इमरान ने उस कार को पहले ही अपने पीछे आते चेक कर लिया था। वो चूंकि स्पोर्ट्स कार में था इसलिए वो मुतमईन था कि वो सफेद कार वालों को तेज रफ्तारी से आसानी से डॉज देकर निकल जाएगा। अब वही सफेद कार बजाय उसके पीछे आने के तनवीर की कार के पीछे लग गई थी। इमरान ने एक तवील सांस लिया और कार को आगे बढ़ा ले गया। अभी वो कुछ ही दूर गया होगा कि उसने अचानक सामने से स्याह रंग की बंद बॉडी वाली एक वैन को तेजी से आगे आते देखा। वैन सड़क पर बुरी तरह से लहरा रही थी। यूं लग रहा था जैसे वैन का ड्राइवर नशे में हो या फिर वैन हो रही हो। वैन सड़क पर लहराते देखकर सड़क पर मौजूद दूसरी गाड़ियां तेजी से पीछे हटती चली जा रही थी। इमरान ने भी कार की रफ्तार कम की और अपनी कार साइड पर ले आया, लेकिन ये देखकर वो चौंक पड़ा कि स्याह वैन जैसे ही करीब आई उसका रुख इमरान की कार की तरफ हो गया। और फिर इससे पहले कि इमरान कुछ समझता उसने वैन को अपनी कार के एन सामने आते देखा। अब इमरान के पास कोई चारा ना था। उसने फौरन कार रोकी और फिर कार का दरवाजा खोलकर तेजी से कार से बाहर कूद गया। जैसे ही वो कार से कूदा उसी लम्हे स्याह वैन पूरी कुव्वत से उसकी कार से आ टकराई। माहौल यकलत जोरदार धमाके से गूंज उठा। इमरान की कार उछलकर साइड में गिर गई थी और वैन एक झटके से रुक गई थी। इमरान अभी उठ ही रहा था कि उसी लम्हे स्याह वैन के दरवाजे खुले और वैन में से 6 अफराद निकलकर बाहर आ गए। उन अफराद के हाथों में चेन डंडे और फौलादी रॉड्स थे। वैन से निकलते ही वो बिजली की सी तेजी से इमरान की तरफ बढ़े। इमरान फौरन उठकर खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो कुछ करता 6 के 6 अफराद उसके करीब पहुंच गए और उन्होंने यकलक्त इमरान को घेर लिया। अरे अरे कौन हो तुम और ये सब क्या है, इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। उन अफराद ने इमरान की बात का कोई जवाब ना दिया। उनमें से एक आदमी जिसके हाथ में लंबा सा फौलादी रॉड था वो तेजी से आगे बढ़ा और उसने पूरी कुव्वत से रॉड इमरान के सर पर मार दिया। इमरान तेजी से साइड पर हो गया। अगर उसे 1 सेकंड की भी देर हो जाती तो उसकी खोपड़ी के परखचे उड़ जाते। उसके साइड पर होते ही रॉड इमरान की कार की बॉडी से टकराया। दूसरे लम्हे इमरान ने यानी उसके हाथ ने तेजी से हरकत की और जूडो का एक भरपूर वार रॉड वाले की टांग पर पड़ा और वो उलट कर दूसरी जानब जा गिरा। उसी लम्हे बाकी 5 अफराद ने तेजी से इमरान की जानिब जंप लगाया। इमरान ने भी एक जंप लगाया और अपनी कार की बॉडी पर चढ़ गया और करीब आने वाले के मुंह पर बूट की ठोकर मारी। वो उलटकर दूसरी जानिब जा गिरा। अचानक रॉड वाले ने अकब से इमरान पर जंप लगाई और इमरान को साथ लेता हुआ कार से नीचे जा गिरा। इमरान ने नीचे गिरते ही उसे झटका दिया और वो उछल कर दूर जा गिरा। उसी वक्त से नीचे जा गिरा। इमरान ने नीचे गिरते ही उसे झटका दिया और वो उछल कर दूर जा गिरा। उसी वक्त दूसरे आदमी ने छलांग लगाई। इमरान ने उसे आड़े हाथों लिया और मुक्का उसके मुंह पर मार दिया। वो चीख कर दूसरी तरफ उलट गया लेकिन नीचे गिरते गिरते भी उसने टांग चला दी। इमरान कमर के बल जमीन पर गिरा और उसी वक्त 3 आदमियों ने बेयक वक्त इमरान पर छलांग लगाई। इमरान ने तेजी से पलटा खाया और उनकी जद से निकल गया और वो तीनों अपने ही जोर जमीन बोस हो गए। उनकी जद से निकलकर इमरान खड़ा हुआ ही था कि उसी वक्त उस रॉड वाले ने उठते ही एक बार फिर रॉड इमरान को मारने की कोशिश की। इमरान ने रॉड से बचने की कोशिश की लेकिन रॉड उसके कंधे पर पड़ा और इमरान की करराह निकल गई। इमरान ने फुर्ती से पलटा खाया और पलक झपकते ही एक जोरदार मुक्का रॉड वाले के मुंह पर पड़ा। रॉड वाले की चीख निकल गई और उसकी नाक की हड्डी टूट गई और उसका चेहरा खून से सुर्ख होता चला गया। लेकिन वो शायद बेहद सख्त जान था। उसने नाक टूटने और खून बहने की परवाह किए बगैर इमरान के सर का निशाना लेकर एक बार फिर पूरी कुव्वत और फुर्ती से रॉड घुमाया। उस वक्त इमरान कार के दरवाजे के पास खड़ा था। इमरान ने फुर्ती से कार का दरवाजा झटके से खोला। वो रॉड वाला जो तेजी से रॉड घुमाकर आगे बढ़ा था एक झटके से उछलकर दूर जा गिरा। इमरान ने दरवाजा जोर से खींचकर उसे भरपूर अंदाज में दरवाजे की टक्कर मारी थी। रॉड उसके हाथ से निकल गया और तकरीबन उड़ता हुआ कार की विंडस्क्रीन से जा टकराया और विंडस्क्रीन के परखचे उड़ गए और खुद रॉड वाला आदमी बुरी तरह से बिलबिलाता हुआ दूर जमीन पर पलटियां खाने लगा। वो सीना पकड़कर कटे हुए मुर्ग की तरह तड़पने लगा था। उसके मुंह से खून जारी हो चुका था। इमरान उस जानिब से मुतमईन होकर कार के अंदर से विंडस्क्रीन तोड़ने वाला रॉड उठा लाया और दूसरे लम्हे उसकी आंखों में खून की सुर्खी दिखाई देने लगी। चेहरे पर दरुस्तगी के आसार दिखाई देने लगे थे और जबड़े तन गए थे। उसी वक्त एक आदमी ने इमरान पर छलांग लगाई लेकिन अगले ही लम्हे वो फिजाई में कलाबाजियां खाकर जमीन बोस हो गया।
इमरान ने डॉर का भरपूर वार उसके सीने पर किया था और फिर दूसरे आदमी के करीब पहुंचकर इमरान ने उस पर अपनी लात का भरपूर वार किया और फिर उसके नीचे गिरते ही रॉड जोर से उसके मुंह पर मारा। फिजा में हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी और दूसरे लम्हे हमला करने वाले के चेहरे के परखचे उड़ गए। रॉड जोर से उसके चेहरे पर पड़ा था और उसके चेहरे को कई हिस्सों में तकसीम करता हुआ सड़क से जा टकराया। फिर जब रॉड इमरान ने वापस उठाया तो रॉड खून आलूद हो चुका था। उसी लम्हे अचानक एक आदमी ने अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालकर इमरान पर फायर कर दिया। इमरान ने एक जंप लगाया और दूसरी जानिब जा गिरा। उस आदमी ने दूसरा फायर किया। इमरान ने संगाड़ का मुजाहरा किया और उसके फायर की जद से महफूज रहा। उस आदमी ने तीसरा फायर किया। इमरान ने फिर जंप लगाया। उस वक्त अगर इमरान खुद को कार की बाड़ी पर ना गिरा लेता तो उस गोली का निशाना जरूर बन जाता, जो उसके अकब में मौजूद एक हमलावर ने अपने साथी के निशाने खता होते देखकर रिवॉल्वर निकालकर इमरान पर चलाई थी। कार के अगले बोनट पर गिरते ही इमरान के हाथ से रॉड निकला और सीधा रिवॉल्वर चलाने वाले के माथे पर पड़ा और वह चीख मारकर दूसरी जाने बुलट गया। उसका माथा भी रंगीन हो चुका था। उसी लम्हे इमरान को एक जोरदार झटका लगा। वो लड़खड़ा गया। उसे यूं महसूस हुआ था जैसे अचानक उसके पहलू में आग सी लग गई हो। उसने चौंक कर देखा तो ये देखकर उसने बेख्तियार होंठ भींच लिए कि उसके पहलू में एक छोटा सा खंजर गड़ा हुआ था। ये खंजर साइड पर खड़े एक आदमी ने उस पर खींच मारा था। इमरान की तवज्जो चूंकि सामने के रुख पर मौजूद रिवॉल्वर बरदार पर थी, इसलिए वो उस खंजर बरदार को ना देख सका था और उस आदमी का फेंका हुआ खंजर उसके पहलू में घुस गया था। इमरान ने हाथ बढ़ाकर खंजर एक झटके से बाहर निकाल लिया। खंजर का फल इतना बड़ा ना था इससे पहले कि इमरान कुछ करता। अचानक उसे अपने दिमाग में अंधेरा भरता हुआ महसूस हुआ। इमरान के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। उसने चौंक कर खंजर की तरफ देखा और फिर वो एक तवील सांस लेकर रह गया। खंजर के फल के दस्ते के पास सफेद रंग का पाउडर सा लगा हुआ था। उस पाउडर को देख के खंजर बरदार ने खंजर पर मखसूस पाउडर लगा रखा था। ये उसी पाउडर का असर था जो जाहिर है बेहोश देने वाली दवाई हो सकती थी, जो इमरान के जिस्म में सरायत कर गई थी। इमरान ने सर झटक कर आंखों के सामने आने वाला अंधेरा दूर करने की कोशिश की, लेकिन ला हासिल। उसी लम्हे उसके दिमाग पर भी अंधेरा छा गया और वो लहराता हुआ जमीन पर गिरता चला गया। जैसे ही इमरान बेहोश होकर गिरा, वो पांचवें जो इमरान के हाथों बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे, भूखे वैश्यों की तरह इमरान की तरफ बढ़े और उन्होंने इमरान को पकड़ लिया। एक आदमी ने जेब से बारीक रस्सी का बंडल निकाला और वो तेजी से इमरान को बांधना शुरू हो गए और फिर चंद मिनटों के अंदर इमरान को रस्सियों से बांध दिया गया। इमरान को काबू करने के बाद उन्होंने इमरान को वैगन में डाला और तेजी से वापस रवाना हो गए। इमरान की कार उन्होंने वहीं छोड़ दी थी। उन्होंने वैगन के शीशों पर पर्दे डाल दिए, इसलिए बाहर का मंजर दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें शायद इमरान को सही सलामत गिरफ्तार करके लाने का हुक्म दिया गया था, वरना उनका दिल तो यही चाहता था कि इमरान को जिंदा ही चबा डाले। थोड़ी ही देर में इमरान को होश आ गया। होश में आते ही उसने उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे उसे मालूम हो गया कि उसे रस्सियों से बांध दिया गया है और उसे वैन में डालकर कहीं ले जाया जा रहा है। उसके सर पर वो पांचों अफराद बैठे हुए थे और इस बार उनके हाथों में रिवॉल्वर और मशीन गनें दिखाई दे रही थी, जिनके रुख इमरान की जानिब थे। चुप चाप पड़े रहो वरना यहीं हलाक कर दिए जाओगे, एक आदमी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। कौन हो तुम और मुझे कहाँ ले जा रहे हो, इमरान ने सर उठाकर उनकी तरफ देखते हुए पूछा। उसके दिमाग में भूंचाल सा आया हुआ था। वो सरदावर के पास जाना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने बीच सड़क पर अचानक ही उस पर हमला कर दिया था और उन्होंने उस पर हमला करने का खतरनाक तरीका आजमाया था। पहले उन्होंने उसकी कार को वैन से टक्कर मारी थी और फिर वो अचानक ही वैन से निकलकर उस पर झपट पड़े थे। उनसे लड़ते हुए एक आदमी ने इमरान पर खंजर खींच मारा था। उस खंजर का फल पर ऐसा पाउडर लगा हुआ था जिसके नतीजे में इमरान बेहोश हो गया था। वैन मुख्तलिफ रास्तों से गुजरने के बाद एक जगह रुक गई। इमरान को वैन से निकालकर बाहर निकाला गया, यानी घसीट कर, लेकिन फिर उसे अपने कदमों पर चलने की इजाजत दे दी गई। वैन के सामने मौजूद बरामदे को क्रॉस करके वो सब एक हाल नुमा कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में पहुंचकर उसे दूसरे आदमियों के हवाले कर दिया गया। ये आदमी 10 के करीब थे और तमाम मशीन गनों से लेस भी थे। D-13 इसे बॉस के पास पहुंचा दो, एक आदमी ने बाकी अफराद को हुक्म दिया और खुद उठकर बाहर निकल गया। बाकी अफराद इमरान को लेकर आगे चल दिए। आगे एक लंबी राहदारी थी जो अंधेरे में डूबी हुई थी। जो ही वो अंधेरे में दाखिल हुए, एक मशीन गन आगे चलने वाले की गर्दन से आकर लगी और एक सपाट आवाज गूंजी, कोड। आवाज में ऐसा सन्नाटा सा महसूस हो रहा था जैसे वो स्पीकर से नशर की जा रही हो। स्पेशल मिशन, उस आदमी ने जवाब दिया। तुम्हारा नंबर, दोबारा वही जज्बात से आ रही आवाज सुनाई थी। D-13
उस आदमी ने दोबारा जवाब दिया। उसके साथ ही मशीन गन हटा ली गई और वो दोबारा आगे बढ़ने लगे। आगे एक बहुत बड़ा हाल था जिसमें से एक रास्ता नीचे तहखाने की जानिब जा रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ते चले गए। फिर चंद लम्हों के बाद एक ऐसे हॉल में पहुंचे जहां एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी। उनके करीब पहुंचते ही स्क्रीन रोशन हो गई। उस स्क्रीन पर एक गैर मुल्की दिखाई दिया। गैर मुल्की को देखते ही D-13 अपने दूसरे साथियों समेत मुस्तैद हो गया और उन्होंने फौरन सल्यूट मारा। गैर मुल्की ने गर्दन हिलाकर इशारे से उनके सलाम का जवाब दिया। D-13 उसे मेकअप रूम में ले जाओ और फिर वहां से ब्लैक रूम में ले आना, स्क्रीन पर मौजूद गैर मुल्की ने भर्राई हुई आवाज में कहा। उसके हुक्म के साथ ही उसका चेहरा स्क्रीन से गायब हो गया और स्क्रीन फिर तारीख हो गई। इमरान खामोशी से ये तमाम कार्रवाई देख रहा था और फिर उनके इशारे पर वो आगे बढ़ने लगा। आगे जाकर वो एक राहदारी में घूम गए और उस राहदारी का इख्तिताम एक ऐसे कमरे में हुआ जिस पर हर जानिब सर्च लाइट्स नसब थी और यहाँ पर भी एक स्क्रीन दिखाई दे रही थी। सर्च लाइट्स और दीगर सामान देखकर उस कमरे पर किसी स्टूडियो का गुमान होता था। दबा दिया बटन के दबते ही स्क्रीन पर रोशनी की लहरें हरकत करने लगी। इमरान हैरत से उन लहरों को देखता रह गया और इस इंतजार में रहा कि अभी उस पर किसी की सूरत दिखाई देगी, लेकिन उसका ख्याल खाम ख्याली साबित हुआ। तकरीबन 10 मिनट तक वो लहरें कूदती रहीं और फिर स्क्रीन दोबारा तारीख हो गई। उसके तारीख होते ही सर्च लाइट्स और दूसरी रंगीन लाइट्स भी खुद ब खुद ऑफ हो गई। रोशनियों के ऑफ होने के बाद D-13 ने इमरान को खड़ा होने का हुक्म दिया और फिर ये काफिला वापस उसी राहदारी से गुजर कर एक वसी अरीज हॉल में पहुंचा जिसके दरमियान में एक चबूतरा सा बना हुआ था। उस हॉल में भी एक बड़ी सी स्क्रीन दिखाई दे रही थी। उन्होंने इमरान को ले जाकर चबूतरे पर खड़ा कर दिया और खुद मशीन गने लिए चबूतरे से चंद गज दूर एक दायरा बनाकर खड़े हो गए। फिर उन्हें चंद मिनट तक इंतजार करना पड़ा। थोड़ी देर के बाद स्क्रीन रोशन हुई और उस पर वही गैर मुल्की दिखाई दिया जो पहले भी उन्हें हुक्म दे चुका था। स्क्रीन पर गैर मुल्की को देखते ही D-13 और उसके साथियों ने फौरन ही उसे सैल्यूट किया। गैर मुल्की उनके सैल्यूट का जवाब देने की बजाय इमरान से मुखातिब हुआ। हेलो इमरान, गैर मुल्की ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। वालेकुम हेलो, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। किस बेबसी से तुम इस वक्त चूहेदान में फंसे हुए हो, गैर मुल्की ने गुर्राहट भरे लहजे में कहा जिसमें तंज भी शामिल था और खुशी का अंसर भी। इतनी ही बेबसी के साथ तुम्हारी मौत भी आएगी, इमरान ने चहकते हुए कहा। यह खुश ख्याली अब जहन से निकाल ही दो, मौत तुमसे सिर्फ चंद कदमों के फासले पर है, गैर मुल्की ने कहा। क्या तुम डेंजर प्रिंस हो, इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। हाँ मैं हूँ डेंजर प्रिंस, गैर मुल्की ने बड़े फाखिराना लहजे में जवाब दिया। शक्लो सूरत से तो निरे गाउदी बल के लफंगे लगते हो, किसने बना दिया तुम्हें प्रिंस, इमरान ने उसे अंदाज में कहा। शट अप यू नॉनसेंस, तुम्हें डेंजर प्रिंस के सामने इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसी हुई, D-13 ने चीखते हुए कहा और साथ ही उसने मशीन गन के ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ा दिया जैसे वो अभी इमरान पर फायरिंग करना शुरू कर देगा। D-13, डेंजर प्रिंस ने गुर्राकर कहा। यस प्रिंस, D-13 ने मौतबाना लहजे में कहा। तुम देख रहे हो कि मैं इमरान से बात कर रहा हूँ, फिर तुम्हें ये जरूरत कैसी हुई कि तुम हमारे दरमियान बोलो, डेंजर प्रिंस ने गुर्राते हुए कहा तो D-13 का रंग बदल गया। ये आपसे तो ही नामेज लहजे में बात कर रहा था प्रिंस, D-13 ने कहा। जिसके सर पर मौत सवार हो ऐसी बातें नहीं करेगा तो और कौन करेगा, नॉनसेंस, डेंजर प्रिंस ने सर्द लहजे में कहा। यस प्रिंस, D-13 ने कहा। अब अगर कोई बोला तो मैं उसे खुद शूट कर दूंगा, डेंजर प्रिंस ने खुश लहजे में कहा तो उन सब ने एक साथ इस्बात में सर हिला दिए। हाँ तो इमरान, मैं क्या कह रहा था, डेंजर प्रिंस ने एक बार फिर इमरान से मुखातिब होकर कहा। तुम कह रहे थे कि तुम मरने वाले हो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी लाश पर जूते कौन मारेगा, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो डेंजर प्रिंस गुस्सा करने की बजाय बेख्तियार हंस पड़ा। मौत को सामने देखकर हर इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, डेंजर प्रिंस ने तंजिया लहजे में कहा। इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं डेंजर प्रिंस, तुम्हारी मौत तुम्हें स्टेज पर ले आई है, इमरान ने कहा। मौत तुम्हारा मुकद्दर है इमरान, बताओ तुम्हें कैसे हलाक किया जाए, तुम अपनी पसंद की मौत मरना चाहोगे या मेरी दी हुई भयानक और नहायत अजियतनाक मौत, डेंजर प्रिंस ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो इमरान पर एहसान करना चाहता हो। इस बात का फैसला तुम करो, तुम कैसी मौत मरना चाहोगे, क्योंकि अगर तुम मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि मरने के बाद भी तुम्हारी रूह सदियों तक बिलबिलाती रहेगी, इमरान ने कहा। उसके हलक से भी भेड़िए की दरिंदगी से भरपूर आवाज निकली थी। लगता तुम अपनी जिंदगी से ज्यादा ही तंग आ चुके हो, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें चंद सांसें दे दूं और तुमसे चंद बातें कर लूं, लेकिन अगर तुम जल्द मरना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, डेंजर प्रिंस ने गुर्राकर कहा।
मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। अगर तुम मुझे हला इस पर्दे से निकलकर बाहर आओ और मेरा मुकाबला करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम डेंजर प्रिंस हो तो मैं डेंजरस प्रिंस किलर हूँ, इमरान ने खतरनाक लहजे में कहा। क्या मतलब? डेंजर प्रिंस ने चौंक कर कहा। तुम्हें अपनी जहानत और ताकत पर बेहद जाम और गरूर और नाज है ना, मैं भी तुम्हारी ताकत देखना चाहता हूँ। अगर तुम वाकई ताकतवर हो तो आओ और मेरा मुकाबला करो। अगर मैं तुम्हारे मुकाबले में एक लम्हे के लिए भी लड़खड़ा गया तो मैं खुद को अपने हाथों से गोली मार लूंगा, इमरान ने कहा। मैं तुम्हारी ये तमन्ना जरूर पूरी कर देता, लेकिन इमरान अफसोस, ब्लैक मांबा ने मुझे उसकी इजाजत नहीं दी और मैं ब्लैक मांबा के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता और ना ही करूंगा, डेंजर प्रिंस ने कहा। साफ कहो कि तुम में इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम मेरा मुकाबला कर सको, इमरान ने तंजिया लाजे में कहा। तो डेंजर प्रिंस ने बेइख्तियार होंठ पींच लिए। मौत तुम्हारा मुकद्दर है, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर सकता हूँ, डेंजर प्रिंस ने कहा। मक्कार, बुजदिल और अहमक इंसान इसके सिवा और जवाब भी क्या दे सकता है, इमरान ने डेंजर प्रिंस को ताव दिलाने वाले अंदाज में कहा। बस करो इमरान, मैं मक्कार, बुजदिल और अहमक नहीं हूँ, समझे तुम, डेंजर प्रिंस ने गुस्सीले लहजे में कहा। अगर नहीं हो तो आओ और करो मुझसे दो दो हाथ, खुद ही मालूम हो जाएगा कि तुम कितने पानी में हो, इमरान ने जहरीले लहजे में कहा। सॉरी, मैं ब्लैक मामा के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता, इसलिए चाह कर भी मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, डेंजर प्रिंस ने होन भींचते हुए कहा। इसे कहते हैं बुजदिली की इंतहा, इमरान ने कहा। तो डेंजर प्रिंस गुर्रा कर रह गया। फायर! अचानक डेंजर प्रिंस ने इमरान के गिर्द खड़े मशीन गन बरदारों से मुखातिब होकर हलक के बल चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे हॉल मशीनों की यानी मशीन गनों की मखसूस तड़तड़ाहट से गूंज उठा। गोलियों की तड़तड़ाहट से हॉल गूंज उठा और फिर गोलियों की बारिश रुकी तो उन सब की नजरें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इमरान उस चबूतरे से बाहर मुसल्ला अफराद के अकब में पहुंच चुका था। फिर उनके संभलने से पहले ही इमरान ने एक मशीन अफराद के अकब में पहुंच चुका था फिर उनके संभलने से पहले ही इमरान ने एक मशीन गन बरदार की मशीन गन पर हाथ डाल दिया और सामने मौजूद दो अफराद जोरदार चीखों के साथ लट्टू की तरह घूमते हुए गिरते चले गए। उस वक्त इमरान ने मशीन गनों के ट्रिगर दबते ही एक लॉन्ग जंप लगाया था और फिर वो चबूतरे से तकरीबन उड़ता हुआ मुसल्ला अफराद के ऊपर से होता हुआ उनके अकब में जा गिरा था। उसके हाथ तो उसी वक्त खुल गए थे जब वो उसे मेकअप रूम में ले आए थे। रस्सियां काटने का काम इमरान के नाखूनों पर लगे मखसूस ब्लेडों ने किया था, अलबत्त उसने रस्सियां हाथों के ऊपर लपेट रखी थी जो झटके से अलादा की जा सकती थी। मशीन गन से फायरिंग करने के बाद इमरान ने फौरी तौर पर खुद को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वो नीचे गिरा उसी लम्हे बाकी अफराद के मशीन गनों से निकलने वाली बेशुमार गोलियां उसके सर के ऊपर से गुजरती चली गई। उसी वक्त इमरान को दोबारा पलटा खाना पड़ा क्योंकि इमरान ने जिस मशीन गन बरदार से गन छीनी थी उसने उसके ऊपर जंप लगाया था। इमरान ने पलटा खाते ही वो अपने जोर में जमीन पर गिर गया और इमरान ने तेजी के साथ मशीन गन का दस्ता उसके सर पर मारा और वो एक करबनाक चीख मारकर वही ढेर हो गया। उस आदमी की खोपड़ी टुकड़ों में तकसीम हो गई थी। उस वक्त दूसरी जानब से गोलियों का दूसरा राउंड चलाया गया लेकिन इमरान उनकी जद से महफूज रहा। फिर उसकी मशीन गन ने कहकही लगाई और फिजा मुतअद्दिद चीखों से गूंज उठी। फायरिंग करने के बाद इमरान ने एक लॉन्ग जंप लगाया और स्क्रीन के करीब जा गिरा जहां से डेंजर प्रिंस ये तमाम कार्रवाई हैरत से देख रहा था। इमरान ने उसे टेलीफोन नुमा एक आला उठाते देखा। उधर इमरान जो ही सर स्क्रीन के करीब गिरा था उसकी साबिका जगह पर एक धमाके के साथ धुआं फैल गया। एक आदमी ने हैंड ग्रेनेड फेंका था फिर इमरान ने उसे दूसरा हैंड ग्रेनेड फेंकने की मोहलत ही नहीं दी और ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट में एक धमाका भी हुआ और उस मुसल्ला आदमी के परखचे उड़ गए। दस्ती बम की पिन खींचते हुए ही इमरान की मशीन गन की गोलियों ने उसे हलाक कर दिया और नतीजतन उसके हाथों ही में दस्ती बम फटा और उसके जिस्म के कई टुकड़े हो गए। उसी वक्त अचानक स्क्रीन के ऊपर लोहे की दीवार आ गिरी और सामने वाली दीवार फटी और उसमें मशीन गन से टुकड़े हो गए। उसी वक्त अचानक स्क्रीन के ऊपर लोहे की दीवार आ गिरी और सामने वाली दीवार फटी और उसमें मशीन गन से मशाबा एक अजीबोगरीब गन दिखाई दी और उस गन ने एक शोला उगला लेकिन इमरान ने फौरन जंप लगाया और एक आदमी की लाश के करीब जा गिरा और उसने तेजी से उस लाश को अपनी साबिका जगह पर फेंक दिया। लाश उस शोले की जद में आई और आनन फानन जलकर राख का ढेर बन गई। इमरान ने दूसरा जंप लगाया लेकिन इस बार उसका जंप काम ना आ सका। मुसल्ला अफराद की मुसलसल फायरिंग से एक गोली उसके बाजू पर आकर लगी थी। इमरान ने बाजू पर ध्यान दिए बगैर मजीद जंप लगाया और साथ ही उसकी मशीन गन के शोले उगले थे और कई अफराद गर्मनाक अंदाज में चीखते हुए उछल उछल कर गिरते चले गए। एक आदमी ने जमीन पर गिरते ही मशीन गन का रुख इमरान की जानब किया और उस पर मुसलसल फायरिंग करने लगा लेकिन इमरान संग आड़ का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए हवा में कलाबाजियां खाता चला गया और फिर इमरान ने हवा में कलाबाजियां खाते हुए
अपना जिस्म सुकेड़ा और फिर उसका जिस्म किसी खुलते हुए स्प्रिंग की तरह हरकत में आया और जमीन पर लेटे हुए मशीन गन बरदार के ऊपर से गुजरता चला गया। उस आदमी के ऊपर से गुजरते हुए उसने मशीन गन की नाल नीचे की और ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे जमीन पर लेटा हुआ आदमी जो उसे खुद पर से गुजरते देखकर तेजी से सीधा हुआ ही था कि मशीन गन के बर्श से उसका जिस्म उधड़ता चला गया। उसी लम्हे सामने दरवाजा खुला और दूसरे लम्हे मजीद 10 मशीन गन बरदार फायरिंग करते हुए अंदर आ गए। इमरान ने फिर जंप लगाया और आने वाले अफराद पर फायरिंग करते हुए दरवाजे की करीब लाशों के दरमियान छलांग लगा दी। करीब गिरते ही इमरान ने एक लाश के हाथ में मौजूद हैंड ग्रेनेड छीना जो उसने इमरान पर फेंकने के लिए निकाला था और फिर गोलियों का शिकार होकर वहीं हलाक होकर गिर गया था। इमरान ने हैंड ग्रेनेड का पिन दांतों से खींचा और फिर उसने दरवाजे से आने वाले अफराद पर वो हैंड ग्रेनेड उछाल दिया। फिजा में चमक के साथ ही जोरदार धमाका हुआ और इंसानी अज़ा के उड़ते हुए टुकड़े दिखाई दिए। उधर दीवार से निकली हुई मशीन गन मूव करती हुई बार बार शोले उगल रही थी, लेकिन उसकी इमरान की तरफ ऐसे घूम रहा था जैसे मकनातीस का रुख खुद ब खुद लोहे की जानिब होता है। गन के शोला उगलते ही इमरान ने तेजी से जंप लगाया और हॉल के दरमियान में जा गिरा। फिर उसके खड़े होते ही मशीन गन की नाल भी उसकी तरफ घूम गई। इमरान ने छलांग लगाते हुए जमीन पर गिरा हुआ एक और हैंड ग्रेनेड उठा लिया था। जंप लगाकर साइड में आते ही उसने दांतों से हैंड ग्रेनेड का सेफ्टी पिन खींचा और दूसरे लम्हे उसने हैंड ग्रेनेड पूरी कुव्वत से उस गन की तरफ उछाल दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और उस गन के बरकचे उड़ गए और फिर इससे पहले के कमरे में कोई और मशीनी असला नमूदार होता, इमरान ने जोरदार जंप लगाया और हॉल के दरवाजे के पास जा गिरा। फिर हॉल से निकलते ही अगर वो खुद को जमीन पर ना गिरा लेता तो उन मुसला अफराद की फायरिंग की जद में आ जाता जो तेजी से सामने रादारी में उसकी जानेब भागे आ रहे थे। इमरान ने नीचे गिरते ही मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। गन ने मुतअद्दद कहकहे लगाए और सामने आने वाले अफराद एक दूसरे के ऊपर ढेर होते चले गए। उनमें से बाज़ तेजी के साथ जमीन पर पोजीशन लेने के लिए गिरे, लेकिन उनकी बौखलाहट की बदौलत इमरान की मशीन गन उनमें से बहुत सों का सफाया कर चुकी थी। नीचे गिरने के बाद उन्होंने भी अपनी मशीन गनों के दहाने खोल दिए थे, लेकिन इमरान जमीन पर गिरते ही तेजी से करवटें बदलता चला गया और नतीजतन गोलियां उसके ऊपर से गुजरती रहीं। इमरान करवटें बदलता हुआ एक मुर्दा मसाला आदमी के करीब से गुजरा तो उसे उसके बगल में एक थैला दिखाई दिया। उस थैले को देखते ही इमरान समझ गया कि उसमें हैंड ग्रेनेड हो सकते हैं। इमरान ने एक बार फिर करवट बदली और उस लाश के करीब आ गया। दूसरे लम्हे लाश के बगल से थैला निकलकर इमरान के कब्जे में आ चुका था। इमरान थैला लेते ही तेजी से उछलकर साइड में हट गया और फिर वो उठकर तेजी से दीवार के साथ मौजूद एक पिलर की तरफ दौड़ा। उसी लम्हे इस बार साइड से चंद अफराद ने बर्स्ट मारे, लेकिन उस वक्त तक इमरान पिलर के पीछे पहुंच चुका था। जवाब में इमरान ने मशीन गन से फायर करने की बजाय थैले से हैंड ग्रेनेड निकाला और दांतों से उनका सेफ्टी पिन खींचकर उस तरफ फेंक दिया जिस तरफ से उस पर फायरिंग की गई थी। सामने राहदारी थी, राहदारी जोरिंग की गई थी। सामने राहदारी थी, राहदारी जोरदार धमाके से लरज गई और हर जानब धुआं ही धुआं फैल गया था, जिसमें मुसला अफराद की कर्राहें, चीखें और मौत की सिसकियां सुनाई दे रही थी। हैंड ग्रेनेड फेंकने के बावजूद इमरान को एक लम्हे के लिए भी सुकून ना मिला था, क्योंकि उसके अकब में भी धमाके हुए और जिस हॉल कमरे से निकलकर वह बाहर आया था उसका दरवाजा एक धमाके से टुकड़े टुकड़े हो गया और कई और धमाके उसके अकब में हुए। वाजे था कि सामने रादारी में मौजूद अफराद ने भी जवाब में बम फेंके थे, लेकिन ये इमरान की किस्मत के वो उससे 2 गज दूर अकब में गिरे, लेकिन अब इमरान इंतहाई खतरे में पड़ चुका था। इमरान के चेहरे पर अचानक ही दरिश्तगी और खून दिखाई दिया और फिर उसके पास मजीद जो भी दस्ती बम थे उसने उनके सेफ्टी पिन खींचे और उन्हें सामने बचे खुचे अफराद की जानिब उछाल दिया और मशीन गन का दहाना भी खोल दिया और तकरीबन 2 मिनट लगातार फायरिंग करता रहा और फिर उसकी उंगलियां ट्रिगर से उस वक्त हटी जब मशीन गन का एमोनिशन खत्म हो चुका था। इमरान ने मशीन गन को दूर फेंका और उठ खड़ा हुआ। रादारी गोलियों और बमों से उधड़ कर रह गई थी। इंसानी जिस्मों के टुकड़े उधर इधर उधर बिखरे पड़े थे और बाज गोश्त के टुकड़े तो दीवारों से भी चिपके हुए थे। कोई भी जिंदा आदमी नहीं बचा था, वो सब इमरान की दरिंदगी की भेंट चढ़ चुके थे। इमरान ने आगे बढ़कर एक लाश के करीब पड़ी हुई मशीन गन उठाई और फिर वो आगे बढ़ने लगा। उस वक्त भी उसकी उंगलियां ट्रिगर पर थी। आगे एक राहदारी थी, उसको अबूर करने के बाद जो ही इमरान एक नीम तारीख बालकनी में मुड़ा उसे दौड़ते हुए कदमों की आवाजें सुनाई दी। इमरान ने फौरन मशीन गन सीधी की, लेकिन फिर आगे जाकर और बालकनी के सामने दिखाई देने वाले कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर वो उसे तेजी के साथ खोलकर अंदर दाखिल हो गया। और उसी वक्त उस बालकनी से तकरीबन 20 के करीब मशीन गन बरदार भागते हुए गुजरते चले गए, जिनका रुख मेन हॉल की जानिब था। कमरे के अंदर आते ही इमरान ने महसूस किया कि कोई खटका हुआ है। अंदर चूंकि अंधेरा था इसलिए इमरान कुछ नहीं देख सका। फिर इससे पहले कि दूसरा कोई और खटका हो,
इमरान वापस मुड़ा और दरवाजे की तरफ रुख किया तो उसी वक्त कमरा रोशन किया तो उसी वक्त कमरा रोशन हो गया। दरवाजे पर लोहे की एक चादर आ चुकी थी और वो रास्ता बंद हो चुका था। इमरान तेजी से घूमा, सामने एक कवि हेकल और इंतहाई मजबूत जिस्म का मालिक नौजवान गैर मुल्की हाथ में रिवॉल्वर लिए घूम इमरान को घूर रहा था। हैंड्स अप। उस गैर मुल्की ने अपने रिवॉल्वर का रुख इमरान की तरफ करते हुए गुर्रा कर कहा, इससे पहले कि इमरान मशीन गन का रुख उस आदमी की तरफ करता उसे गोलियों से छलनी करता। उस आदमी ने मेज के ऊपर लगा हुआ एक बटन दबा दिया, बटन के दबते ही छत की सतह फट गई और इमरान के हाथ से मशीन गन यकलक प्रेशर से यूं निकली जैसे कोई जादुई ताकत ने इमरान के हाथ से उसे छीन लिया हो और वो मशीन गन छत से जाकर चिपक गई। वाजे बात है कि छत पर पावरफुल मैग्नेट लगा हुआ था जिससे इमरान की मशीन गन उसके हाथ से निकलकर छत से जा चिमटी थी। कोई हरकत ना करना वरना गोलियों से छलनी कर दूंगा, गैर मुल्की ने गुर्राते हुए कहा। जवाब में इमरान ने एक जंप लगाया, गैर मुल्की ने फायर किया लेकिन उसका फायर जाया गया। उसने इमरान के गिरते ही दूसरा फायर किया, इस बार भी इमरान महफूज रहा। फिर वो ट्रिगर दबाता गया और इमरान संग आर्ट का मुजाहरा करता रहा और गैर मुल्की के रिवॉल्वर का मैगजीन खाली हो गया। रिवॉल्वर खाली होते देखकर गैर मुल्की ने झल्लाए हुए अंदाज में रिवॉल्वर इमरान पर खींच मारा लेकिन वो रिवॉल्वर इमरान से टकराने की बजाय दरमियानी से छत की जानेब बढ़ गया। मेहमान की खातर तवाजे हो चुकी है और अब मुझे बताओ कि मुझे मेजबान का किस तरह शुक्रिया अदा करना चाहिए, इमरान ने मुस्कुराहट से भरपूर अंदाज में कहा। यू शट अप नॉनसेंस, तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते, उस आदमी ने चीखते हुए कहा और साथ ही उसने इमरान पर छलांग लगा दी। वो पूरी कुव्वत से इमरान से टकराया और उसे साथ लेता हुआ जमीन पर गिरता चला गया। उसने इमरान के मुंह पर मुक्का मारना चाहा लेकिन इमरान ने उसका मुक्का अपने हाथ पर रोका और दूसरे हाथ का मुक्का उसके मुंह पर मारकर उसे खुद पर से उछाल दिया। इससे पहले कि गैर मुल्की उठता इमरान तेजी से उठा और उसने गैर मुल्की के पहलू में जोरदार अंदाज में लात मार दी। गैर मुल्की चीखता हुआ पलटा और उलटकर गिरा ही था कि इमरान उछलकर एक बार फिर उसके करीब आ गया और उसने एक बार फिर गैर मुल्की को लाती हुई टांग पकड़ ली। इससे पहले कि वो इमरान की टांग मरोड़ कर उसे नीचे गिराता इमरान खुद ही पुश्त के बल नीचे गिरा और साथ ही उसकी दूसरी टांग हरकत में आई और गैर मुल्की की गद्दी पर पड़ी। गैर मुल्की के हलक से जोरदार चीख निकली और वो उलट कर गिरा ही था कि इमरान जिमनास्टिक का बेहतरीन मुजाहरा करते हुए फौरन उछल कर खड़ा हो गया और तेजी से उस आदमी की तरफ बढ़ा। दूसरे लम्हे इमरान की टांग उस आदमी की गर्दन पर थी। इससे पहले कि गैर मुल्की इमरान की टांग पर अपनी गर्दन से हटाता इमरान ने बूट की टो उसकी गर्दन की एक मखसूस रग पर रख कर मोड़ दी। गैर मुल्की के हलक से जोरदार चीख निकली और वो कटे हुए मुर्ग की तरह तड़पने लगा। अब मेरे सवाल का जवाब दो, अचानक इमरान ने कड़कदार लहजे में कहा। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, गैर मुल्की ने तकलीफ में होने के बावजूद चीखते हुए कहा। जवाब में इमरान ने बूट की टो से उसकी गर्दन पर और ज्यादा दबाव बढ़ा दिया जिससे गैर मुल्की की हालत गैर हो गई और उसके हलक से निकलने वाली दर्दनाक चीखों से कमरे की छत उड़ने लगी। बोलो वरना, इमरान ने गुर्राते हुए कहा। नहीं, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, गैर मुल्की ने चीखते हुए कहा। इससे पहले कि इमरान उसकी गर्दन की रग पर मजीद दबाव डालता उस गैर मुल्की ने अपनी पूरी कुव्वत जमा की और फिर उसके हाथ की खड़ी हथेली पूरी कुव्वत से इमरान की पिंडली पर पड़ी। इमरान को यकलक जोरदार झटका लगा और उसकी टांग गैर मुल्की की गर्दन पर कदरे ढीली पड़ गई। गैर मुल्की को शायद उसी मौके की उम्मीद थी, उसने फौरन दोनों हाथों से इमरान की टांग पकड़ी और फिर इससे पहले इमरान कुछ समझता गैर मुल्की ने इमरान की टांग को एक जोरदार झटका दिया कि इमरान यकलक लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। जैसे ही इमरान पीछे हटा गैर मुल्की ने भी उठने में देर ना लगाई, उसका चेहरा बिगड़ा हुआ था, उसका एक हाथ अपनी गर्दन पर था और वह इमरान को खूनी नजरों से घूर रहा था। वेल डन, तुम वाकई जानदार आदमी हो, ये पहला मौका है कि मैंने किसी इंसान की गर्दन की रग इस तरह से दबाई हो और वह उसके बावजूद उठकर खड़ा हो गया हो, इमरान ने उसकी तरफ तहसीन भरी नजरों से देखते हुए मुस्कुराकर कहा। मैं D50 हूँ, D50 को हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, गैर मुल्की ने गुर्राते हुए कहा। D50 ये तो शायद तुम्हारा कोड है, असल नाम क्या है तुम्हारा, इमरान ने पूछता। डेंजर प्रिंस के साथियों के नाम नहीं सिर्फ नंबर होते हैं और यही नंबर हमारी पहचान है, D50 ने कहा। तो समझ लो कि मैं यहाँ तुम्हारी और तुम्हारे प्रिंस की पहचान मिटाने के लिए आया हूँ, इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो D50 गुर्रा कर रह गया। इमरान ने उसकी आंखों में अपने लिए ऐसे आसार देखे जो भूखे शेर की आंखों में शिकार को देख कर आते हैं, इसलिए वो मोहतात हो गया। D50 अचानक इमरान की तरफ बढ़ा और उसने उछल कर इमरान पर हमला करना चाहा लेकिन वो जैसे ही इमरान के नजदीक आया इमरान अचानक जमीन पर गिरा। उसने D50 की टांगों पर जोरदार टांग मार दी। D50 को एक जोरदार झटका लगा, वो गिर ही रहा था कि इमरान की टांग एक बार फिर चली और वो कलाबाजी खाकर मुंह के बल जमीन पर गिरा। उसने उठने की बजाय लेटे लेटे इमरान की तरफ जंप लगाया।
इमरान मेज के करीब हो गया, लेकिन इस बार D50 का रुख मेज की बजाय कमरे के दाएं जानिब था। वो घसीटता हुआ कमरे के कोने में जा गिरा। उसने कालीन का कोना तेजी से उठाया और इमरान के समझने से पहले ही उसके नीचे से मौजूद बटन दबा दिया। बटन दबते ही अचानक सामने दीवार के साथ मौजूद अलमारी के पट खुले और उसमें से एक मशीन गन बाहर निकल आई और उससे लगातार गोलियों की बौछार होने लगी। इमरान ने तेजी से जमीन पर छलांग लगाई और फिर हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। D50 तेजी से घसीटता हुआ उस मशीन गन के सामने आ गया और फिर उसका सीना गोलियों से छलनी हो गया और वो बगैर आवाज निकाले जमीन पर गिर पड़ा। प्रिंस, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, मैंने मर जाना पसंद कर लिया, कबूल कर लिया, लेकिन अजियत बर्दाश्त करके राज देने से इनकार कर दिया। प्रिंस, मैं फातिह हूँ, D50 फातिह, ग्रेट डेंजर प्रिंस, ग्रेट ब्लैक मांबा, जिंदाबाद। गोलियां खाते हुए भी उसने चीखते हुए कहा और दूसरे लम्हे वो साकेत होता चला गया। ऑटोमेटिक मशीन गन चंद लम्हों तक गरजती रही और फिर खामोश हो गई। उसके खामोश होते ही अलमारी के पट भी खुद ब खुद बंद हो गए। इमरान तेजी से उठा और D50 के पास, लेकिन उस वक्त तक वो हलाक हो चुका था। उसी वक्त इमरान की नजर अपनी रिस्ट वॉच पर पड़ी। रिस्ट वॉच में 9:30 हो रहे थे, यानी सिर्फ आध घंटा रह गया। इमरान के चेहरे पर वहशत के तासुरात उभर आए। उसके चेहरे की यानी जबड़ों की हड्डियां यकलक तन गईं। वो तेजी से मेज की तरफ बढ़ा। उसने मेज के ऊपर लगे हुए बटन दबाए, लेकिन नाकामी हुई। इमरान वहां मौजूद बटन जके बाद दीगरे प्रेस करता रहा, लेकिन कमरे का दरवाजा किसी भी बटन से खुलने का नाम ना ले रहा था। कमरे की साख्त देखकर इमरान समझ गया था कि यह कमरा मुकम्मल तौर पर साउंड प्रूफ है और उस कमरे की दीवारें रेड ब्लॉक्स की बनी हुई थी, जिन्हें ना तो किसी बम से उड़ाया जा सकता था और ना ही किसी डायनामाइट से। कमरे में D50 से इमरान की जो फाइट हुई थी उसकी आवाजें बाहर ना जा सकती थी। इमरान उस कमरे में बुरी तरह से फंस चुका था। कमरे में खिड़की और रोशनदान नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। इमरान मुसलसल बटन प्रेस करता रहा, लेकिन लाहासिल। उसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख होता जा रहा था। उसने गुस्से में आकर अचानक एक झटके से मेज दोनों हाथों से उलट दी। मेज दूसरी जानब उलट गई। नीचे तारों का जाल फैला हुआ था। जैसे ही मेज उल्टी, तारें एक दूसरे से उलझ गईं और दूसरे लम्हे उन तारों में यकलक तेज पार्किंग शुरू हो गई। इमरान उछल कर पीछे हटा। यह देखकर उसने गुस्से और परेशानी से होंठ फींच लिए कि तारें देखते देखते जलकर चा हो गई थी। अब ऑटोमेटिक दरवाजा खुलने वाला सिस्टम भी खत्म हो चुका था। इमरान कमरे में जख्मी दरिंदे की तरह चकराने लगा। अचानक उसकी नजर एक छोटे से लीवर पर पड़ी जो मेज के एक पाए के अकब में लगा हुआ था। लीवर छोटा सा था जो आसानी से दिखाई ना देता था। इमरान तेजी से उल्टी हुई मेज की तरफ बढ़ा और उसने लीवर पकड़कर उसे झटका दिया। जैसे ही उसने लीवर को झटके दिए, उसी लम्हे हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और इमरान को अकब में लोहे की दीवार ऊपर को उठती हुई महसूस हुई। दीवार के पीछे एक और दीवार थी जिसमें एक छोटा सा दरवाजा था। दरवाजा खुला हुआ था। इमरान तेजी से दरवाजे की तरफ झपटा। दरवाजा अबूर करने के बाद सीढ़ियां उतरकर वो एक तहखाने में पहुंच गया। तहखाने में हर तरफ बॉक्स ही बॉक्स पड़े हुए थे, लकड़ियों के बने बॉक्स जो सील्ड थे। अलबत्ता उनमें से बहुत से बॉक्स खुले हुए भी दिखाई दे रहे थे। इमरान ने खुले हुए बॉक्सेस में झांका तो ये देखकर तवील सांस लेकर रह गया कि बॉक्सेस असले से भरे हुए थे, लेकिन ये वक्त उस असले की छानबीन का नहीं था। इसलिए इमरान तेजी से सामने दिखाई देने वाले दरवाजे की तरफ पढ़ता चला गया। उस दरवाजे को अबूर करने के बाद इमरान ने खुद को तारीख सुरंग में पाया। सुरंग तवील दिखाई दे रही थी। इमरान ने जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में दौड़ने लगा। फिर उस सुरंग का खात्मा एक ऐसे लोहे के दरवाजे पर हुआ जो दूसरी तरफ से बंद था। लोहे का दरवाजा बहुत मजबूत था और उसे उखाड़ने या दबा करने का तस्वीर ही मुश्किल था। इमरान ने कुफल के सुराग से दूसरी जानब झांका तो दूसरी जानब तीन मुसलह अफराद बैठे दिखाई दिए जो आपस में बातें कर रहे थे। उनकी मशीन गनें मेज पर पड़ी हुई थी। इमरान ने एक लम्हा सोचा, फिर अचानक ही उसका हाथ दरवाजे पर पड़ा और फिर उसने दरवाजा जोर से खटखटाया और उसके साथ ही नजर कुफल के सुराग पर लगा दी। इमरान ने उन अफराद को चौंकते देखा और फिर वो मशीन गनें संभालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़े। कोड, दरवाजे के करीब पहुंचकर उनमें से एक ने कहा। इमरान की खोपड़ी ने तेजी से काम किया। ब्लैक मांबा, इमरान ने स्पार्ट लहजे में कहा। ये कोड उसने उन अफराद से सुना था जो उसे लेकर आए थे। उस जवाब का उन पर खातर खुआ असर हुआ और इमरान ने जोरदार से चड़चड़ाहट की आवाज सुनी और एक झटके से दरवाजा खोल दिया गया। कमरे की रोशनी नाकाफी थी इसलिए वो सुरंग तारीख ही रही। इमरान दरवाजा खुलते ही दरवाजे की ऊट में हो गया। तीनों अंदर आ जाओ, इमरान ने फिर गुर्राहट भरे लहजे में कहा। इमरान की किस्मत थी कि वो शायद इस बात के आदि थे इसलिए तीनों सुरंग में दाखिल हो गए। फिर उनके सुरंग में दाखिल होते इमरान तेजी से दरवाजे की ओर से निकला और दरवाजे से निकलकर तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। वो चौंक कर दरवाजे की तरफ दौड़ते हुए आए, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उन्होंने दरवाजा जोर से खटकाया, लेकिन इमरान उनकी तरफ से मुतमइन होकर अगला कमरा अबूर करके आगे बढ़ा। आगे उसे सीढ़ियां दिखाई दी।
सीढ़ियां बूर करने के बाद इमरान ने अपने आप को एक गैराज में पाया। गैराज का लोहे का दरवाजा बंद था। इमरान ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। अब वो खुले आसमान के नीचे खड़ा था। हर तरफ वीरानी थी, कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। शायद ये रिहाइश का मकीनों से खाली थी। इमरान की नजरें तेजी से वॉच की तरफ गई जिस पर 9:40 हो रहे थे और 10 बजने में सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। इमरान तकरीबन दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। पलक झपकने में उसने कोठी का सहना बूर किया और फिर लोहे के गेट से बाहर जाने की बजाय दीवार फलांगी और बाहर सड़क पर आ गया। सड़क पर आने के बाद इमरान ने इलाके की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन उसे नाकामी रही। वो किसी से पूछ भी नहीं सकता था क्योंकि ये कोठी एक ऐसे इलाके में थी जहां हर जानब वीरानी थी और इर्द गिर्द जमीन बंजरी दिखाई दे रही थी और उस पर सफेदी झलक रही थी। शायद ये जमीन सेम और थोर की लपेट में आ चुकी थी। इमरान ने तेजी के साथ दायां बूट उतारा और उसको आगे की जानब से जोर से ठोकर लगाई। ठोकर लगाते ही मोटर बोट की एड़ी खुल गई जैसे नीचे कब्जे लगे हुए हों, और एड़ी के खोखले हिस्से में एक छोटी सी घड़ी नुमा मशीन मौजूद थी। इमरान ने मशीन के नीचे लगा हुआ नन्ना सा बटन दबा दिया। बटन के दबते ही उसमें से तेज सीटी की आवाज निकली और साथ ही उस पर लगे मुख्तलिफ बल्ब जलने बुझने लगे। मशीन को जेब में डालकर इमरान ने वॉच ट्रांसमीटर का विंड बटन खींचा और फिर वो तेजी से सुइयां घुमाने लगा। सुइयों को दो के हिंसे पर लाकर उसने दोबारा विंड बटन को प्रेस किया तो उसी लम्हे वॉच ट्रांसमीटर जाग उठा। X2 ओवर। रब्ता मिलते दूसरी तरफ से X2 की मखसूस आवाज सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान ने कहा, ओ आप, क्या आप दावर हाउस पहुंच चुके हैं? ओवर। ब्लैक जीरो ने पूछा, नहीं, मैं रास्ते में उलझ गया था। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं दावर हाउस से कितना दूर हूँ। वक्त बहुत कम है, मैंने रेड ट्रैकर ऑन कर दिया। तुम फौरन सर्चर मशीन ऑन करो और मालूम करो कि मैं कहाँ हूँ, जल्दी करो। ओवर। इमरान ने तेज लहजे में बोलते हुए कहा, ओ एक मिनट, मैं अभी चेक करता हूँ। ओवर। ब्लैक जीरो ने कहा, फिर चंद लम्हों के लिए ट्रांसमीटर पर खामोशी छा गई। इमरान साहब, क्या आप लाइन पर हैं? चंद लम्हों बाद ब्लैक जीरो की आवाज आई, हाँ जल्दी बोलो। इमरान ने गुर्राकर कहा, आप इस वक्त शहर से तकरीबन 14 मील दूर है। ये मोरस्ट दूर है, ये मोरस टाउन का इलाका है, लेकिन आप तो, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। ओके, बाकी बातें बाद में होगी, ओवर एंड ऑल। इमरान ने तेज लहजे में कहा, ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। इमरान ने घड़ी पर नजर डाली, 9:42 हो चुके थे, यानी इमरान और सरदावर दोनों की किस्मत का फैसला अब सिर्फ 18 मिनट के फासले पर था। इमरान तेजी से आगे बढ़ गया। आगे जाकर ये सड़क मेन रोड से मिल गई। इमरान जो ही सड़क पर पहुंचा, अचानक एक कार मुखालिफ सम्मत से आती दिखाई दी। इमरान ने इशारा किया, लेकिन वो कार की, यानी इमरान की हालत देखकर घबरा गया और कार रोके बगैर तेजी से आगे निकल गया। उस वक्त इमरान की हालत वाकई नागुफ्ता बे थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाजू खून से लथपथ था, दूसरी ये बात कि अब खून नहीं बह रहा था और चेहरा वैश्यों का सा मंजर पेश कर रहा था। उन हालात में कोई इमरान को क्या समझे, कातिल, मजलूम या पागल। फिर तकरीबन एक मिनट के बाद इमरान को एक और कार आती दिखाई दी। ये भी मुखालिफ सम्मत से आ रही थी। इमरान ने उसे रोकने के लिए खतरनाक किस्म का रिस्क लेने का इरादा किया और तेजी से खुद को सड़क के दरमियान गिरा लिया। फिर कार की ब्रेकों की चरचराहट सुनाई दी और कार इमरान के पास ही रुक गई। इमरान खामोशी से दुम साधे पड़ा रहा और उसे जख्मी देखकर कार से एक आदमी बाहर निकला, उसकी मदद को लपका। करीब आकर वो जो ही इमरान पर झुका, इमरान ने जोर से उसकी कनपट्टी पर वार किया। वो बगैर आवाज निकाले बेहोश हो गया। इमरान ने उसके जिस्म को उठाया और सड़क के किनारे आराम से लेटा दिया। अपनी इस हरकत पर मुझे अफसोस है दोस्त, लेकिन इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं था, और वतन कुर्बानी मांगता है, इसलिए तुम सब्र करो, तुम्हारी कार तुम्हें जल्दी वापस मिल जाएगी, इमरान ने कहा और तेजी से कार की तरफ बढ़ा। और चंद लम्हों बाद वो कार तेजी के साथ वहां से रवाना हो गई। कार की रफ्तार अपनी इंतहाई हदों को छू रही थी। इमरान इस कदर तेज रफ्तारी से कार दौड़ा रहा था जैसे कार की बजाय फाइटर तैयारा उड़ा रहा। अगर स्टेयरिंग आम आदमी के हाथ में होता तो कार कब की सड़क के किनारों पर मौजूद दरख्तों के टुकड़ों से टकरा कर तबाह हो चुकी होती। फिर उसी रफ्तार से इमरान शहर में दाखिल हो गया। इसके बावजूद भी कार की रफ्तार में कमी नहीं आई थी। कार की स्पीड के साथ ही इमरान की नजर घड़ी पर भी मरकूज थी, जहां 10 बजने वाले थे और वक्त कम होते देखकर इमरान को अपने जिस्म से जान जहां 10 बजने वाले थे और वक्त कम होते देखकर इमरान को अपने जिस्म से जान सी निकलती हुई महसूस हो रही थी। वो कार में सवार इंतहाई तेज रफ्तारी से दावर हाउस की जाने बुढ़ा जा रहा था, लेकिन दावर हाउस अभी उसकी पहुँच से दूर था। अगर वो उसी तेज रफ्तारी से बगैर रुके कार दौड़ाता रहता तब भी उसे दावर हाउस पहुँचने में 10 मिनट का मजीद वक्त चाहिए था। उसके पास इतना वक्त नहीं था। थोड़ी दूर जाते ही उसने जब दोबारा अपनी रिस्ट वॉच पर नजर दौड़ाई तो ये देखकर उसका चेहरा सत गया कि रिस्ट वॉच पर ठीक 10 बज चुके थे और डेंजर प्रिंस का सरदावर को हलाक करने का 10 बजे का दिया हुआ अल्टीमेटम खत्म होने का वक्त आ चुका था। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है। माजरत के इससे ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता क्योंकि साथ वाले घर में शादी है तो शोर शुरू होने वाला है। अभी मुझे नहीं पता दूसरी रिकॉर्डिंग भी हो पाएगी या नहीं, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, वीडियो को लाइक कमेंट
कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। और बाकी दूसरे चैनल का जो है ना गोलू सा, ऊपर निशान दिया हुआ है, उसको भी लाजमी सब्सक्राइब करें। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी है, उसको भी लाजमी जो है ना उसकी वीडियोस देखें। फिर मिलते हैं इसके अगले हिस्से के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह के पास। Ha 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 ha!